गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद न्यू टॉपिक लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू एट द फ्यू। डियर फ्रेंड्स, इस समय मैं आपको डिटरमाइनर्स की सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें कि पहले सम एनी फ्यू लिटिल इन सबका प्रयोग बता चुका हूं। अब जो है, वैसे तो मैंने पहले बताया कि लिटिल और फ्यू में दोनों में क्या अंतर है। फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स एंड लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स। तो सबसे पहले तो ये जो फ्यू है, इन तीनों में ही हम काउंटेबल चीज को रखते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल को। और जो ये तीनों होते हैं, ये लगते हैं अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ इन तीनों का यूज करते हैं। अब तीनों में क्या अंतर होता है? लिटिल का होता है, लिटिल हैज नेगेटिव सेंस, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज हो तो वहां पर हम लिटिल का यूज करते हैं, और यदि ना से थोड़ा सा ज्यादा हो तो वहां पे लिटिल का यूज करते हैं, और थोड़ा किंतु पूरा चीज बताना हो तो वहां पे द लिटिल का यूज करते हैं। इसी प्रकार फ्यू का अर्थ होता है काउंटेबल नाउन के पहले, जब बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज हो तो वहां पे फ्यू का यूज करते हैं, और ना से थोड़ा सा ज्यादा हो तो वहां पे आप फ्यू का यूज करते हैं, और थोड़ा किंतु पूरा हो तो वहां पे द फ्यू का यूज करते हैं। किस प्रकार से इनका यूज होता है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ, ही हैज मनी सो ही कांट बाय ए कार। उसके पास पैसा है, कितना पैसा है? बहुत थोड़ा पैसा है, क्योंकि वह कार नहीं खरीद सकता है। ही कांट बाय ए कार, तो हो जाएगा ही हैज लिटिल मनी। क्या हो जाएगा? ही हैज लिटिल मनी सो ही कांट बाय ए कार। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, सी हैज लव फॉर हस्बैंड सो सी डजंट केयर फॉर हिम। इफ एनी वाइफ इज नॉट केयर फॉर हिज हस्बैंड हर हस्बैंड, इट मींस सी लव अ लिटिल। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम वो प्यार करती है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे सी हैज लिटिल लव फॉर हर हस्बैंड सो सी डजंट केयर फॉर हिम। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई परचेज्ड राइस यस्टरडे, कल मैंने कुछ चावल खरीदे। तो जब चावल खरीदे तो ना के बराबर तो नहीं ही खरीदे होंगे, कुछ थोड़ा सा ज्यादा खरीदे होंगे, तो आई परचेज्ड अ लिटिल राइस यस्टरडे। सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस है, हरी हैज क्वाइंस। क्वाइंस जो है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो क्वाइंस काउंटेबल है, तो हरी हैज फ्यू, तो सबसे पहले तो फ्यू लगा देंगे। अब क्वाइंस है, ही सोल्ड देम टू मी। फ्यू तो मतलब ना के बराबर हो गया, यहाँ पे उसके पास थोड़े से ज्यादा होंगे, इसलिए होगा हरी हैज अ फ्यू क्वाइंस, ही सोल्ड देम टू मी। ही सोल्ड देम टू मी। नेक्स्ट वन है, मैन नोज हिम अराउंड दिस प्लेस एज ही इज न्यू हियर। चूंकि वह वहां यहाँ पे नया है, इसलिए उसे कुछ लोग जानते हैं। तो कुछ लोग मतलब ना के बराबर लोग जानते होंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फ्यू, क्योंकि वो नया है। फ्यू मैन नो हिम अराउंड दिस प्लेस एज ही इज न्यू हियर। टाइम ही हैड वाज लॉस्ट। अब यहाँ पे टाइम जो होता है, मैंने पहले भी बताया कि टाइम और मनी काउंटेबल होते हुए भी इनको हम अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिटिल लगेगा लिटिल टाइम। अब यहाँ पे देखना है कि आ लिटिल लगेगा कि द लिटिल लगेगा। टाइम ही हैड वाज लॉस्ट, उसके पास जो कुछ भी थोड़ा सा समय था वो पूरा खो चुका है, इसलिए यहाँ पे होगा द लिटिल। नेक्स्ट वन ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन मनी है, तो मनी में भी लिटिल लगेगा, और चूंकि पूरे पैसे की बात हो रही है कि उसके पास जो कुछ भी थोड़ा सा पैसा है, that he tried to survive on, वह उसी में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। take off it and taste, मतलब कोई बहुत सारा हलवा बना के रखा है, कुछ भी चीज बना के रखी है, उसमें से बोल रहा है कि इसमें से थोड़ा सा ले लो और टेस्ट करो। take a little
ऑफ इट एंड टेस्ट, इसका थोड़ा सा ले लो और इसका टेस्ट करो। सो इन दिस वे These are the, this is the exercise and now you can understand, आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे लिटिल का यूज करते हैं, कहाँ पे आ लिटिल का यूज करते हैं, कहाँ पे द लिटिल का यूज करते हैं, कहाँ पे फ्यू का यूज करते हैं, कहाँ पे आ फ्यू का और कहाँ पे द फ्यू का। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो लेक्चर का एडवांटेज ले सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि ये डिटरमाइनर्स जो होते हैं सभी क्लासों में, चाहे वो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th, 12th या BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, तीनों में ही फाउंडेशन कोर्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।